बाद में सुनने में आया कि पिताजी के क्रियाकर्म भी रुचिका की थी और शायद अमर भी है। अब तुम समझे कि मैं रुचिका से इतनी नफरत क्यों करती हूं, क्यों इतने फासले हैं हमारे रिश्ते में, इतनी दरारें हैं हमारे रिश्ते में। मैंने गलत किया क्या? रुचिका ने जो किया क्या वो सही था? ऋषभ, मैं भी इंसान हूं, कोई महात्मा नहीं हूं। मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। उन दोनों ने मेरे साथ और मेरे विश्वास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, तोड़ के रख दिया उन दोनों ने मुझे। मैं उन्हें कैसे माफ कर दूं? और अगर ये कोई बात समझे नहीं तो क्या मैं सबके पीछे अपने बीते हुए दिनों के कालक समझाती फिरूं? मॉम प्लीज, ऋषभ, मुझे अपने व्यवहार पर कोई पछतावा नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि हम दोनों ने मिलकर पिताजी की जिंदगी और मौत बेहाल कर दी। उसने जीते जी पिताजी की इज्जत छीन ली और जान भी, और मैंने उनकी मौत का तमाशा बना दिया। अगर जिंदगी एक किताब होती तो मैं वो पुराने पन्ने फाड़ कर फेंक देती, लेकिन नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी जीनी पड़ती है, अब भी और तब भी। जहां भी जाती यादें मेरा पीछा करती। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं कोई भयानक सपना देख रही हूं। जो भी टूट जाएगा मैं उठूंगी और पिताजी होंगे, रुचिका होगी और शायद अमर भी। मैं तो हकीकत का सामना ही नहीं करना चाहती थी, पर करना तो पड़ा ही। मास्टर साहब आए राधिका। जीते रहो बेटा, बहुत दुख हुआ बेटा तुम्हारे पिताजी का सुनकर। बहुत भले आदमी थे, उन्हें शायद अंदाजा था कि अचानक ही वो चल बसेंगी। बेटे, वो कुछ रुपए मेरे पास छोड़ गए थे कि मेरी राधिका बिटिया को दे देना। शुक्रिया, आपको बेवजह तकलीफ करनी पड़ी। ये लो बेटा अपनी अमानत।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पिताजी चाहिए, सिर्फ अपने पिताजी चाहिए। अब वापस नहीं आएंगे राधिका, समझदारी से काम लो, घर बार दुनियादारी तुम्हें ही निभानी है। याद है जब मेरे बाबूजी गुजरे थे तब अंकल ने मुझे क्या कहा था? उन्होंने कहा था, दिलीप खबरदार, अगर दुख के बादलों में बैठे रहे, उठो उन बादलों को छाटो और जीवन के सूरज की किरणों को इकट्ठा करो। राधिका, एक इंसान के चले जाने से सबकी सांसें तो नहीं बंद हो जाती, वो जीते रहते हैं, उन्हें जीना पड़ता है। और ये तो अंकल की जीवन भर की पूंजी है, इसे फेंक कर अपमानित मत करो। कल हम बैंक में जाएंगे और तुम्हारे नाम का खाता खोलेंगे और इसे फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे, ठीक है? राधिका, 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 राधिका रुक जाओ, राधिका, राधिका रुक जाओ, देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, दोस्ती के खातिर रुक जाओ, राधिका, राधिका तुम नहीं रहोगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा, राधिका, राधिका रुक जाओ, अगर तुम चली गई तो मुझे भी कोई चारा नहीं बाकी रह जाएगा, मुझे भी तुम्हारे साथ खाना पड़ेगा, राधिका, राधिका, मैं तुम्हें आत्महत्या करने ही कह रही हूँ। तुम चली जाओगी तो मैं किसके सारे जीऊंगा राधिका? उस दिन दिलीप ने मुझे मरने नहीं दिया, अपने साथ हुए हादसे की वजह से मैं पागल हो गई थी, लेकिन दिलीप ने मुझे सही रास्ता दिखाया, हमेशा साथ रहने का वादा किया। राधिका, मैं जानता हूं ये ऐसी बातें करने का सही समय नहीं है, पर औपचारिकताएं निभाने का भी सही समय नहीं है। दिलीप, तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। ऐसी हालत में तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता मैं, और जाना तो मुझे है, तुम मेरे साथ जाओगी? ये कैसे हो सकता है? हम शादी कर लेते हैं। क्या सब कुछ जानते हुए भी? राधिका, जो हो गया सो हो गया, और अंकल ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, ना भी सौंपते तो भी तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूं। अब समाज के ताने सुनने के लिए मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मुझसे शादी करके मेरी बीवी बनके मेरे साथ चलोगी? दिलीप, बचपन से तुम मेरे साथ रहे, मुझे हमेशा इतना प्यार दिया, और मैं हूं कि उसे समझने और अपनाने के बजाय। राधिका, आगे जाते समय बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, वादा करो। वादा। एक वादा और करना पड़ेगा। क्या? राधिका, अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसे नजरअंदाज नहीं करते, उसका इलाज करते हैं। क्या मतलब? रुचिका से गलती हो गई है, वो डरी हुई है, उसे अपनी गलती का एहसास है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझसे उसका जिक्र भी मत करो। देखो, मेरे घर पर है,
उसकी हालत ठीक नहीं है। समय आने पर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे, पर तब तक तुम्हें उसे यहां रखना पड़ेगा तुम्हारे साथ। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या हम यहां से चले नहीं जाते तब तक। वो इस छत के नीचे रह सकती है, लेकिन मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। मैं उसे ले आता हूं। तुमसे नहीं मिलना चाहती। क्यों रुचिका? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? प्यार? नफरत है मुझे इस शब्द से, इस जज्बात से। ये क्या कह रही हो? अगर मैं जानती कि प्यार लोगों को अपनों को इतनी तकलीफ पहुंचाता है तो मैं कभी तुमसे। रुचिका, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो अपनी बहू से मिलने की आस लगाए बैठी होगी। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। कम नहीं, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों रुचिका, तुम क्यों नहीं चल सकती मेरे साथ? हाँ, हमने कोई पाप थोड़ी किया, और मैं जानता हूं तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो, मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाऊंगी। अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह पाऊंगी। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती। जब भी तुम्हारी शक्ल देखूंगी, मुझे पिताजी दीदी उनकी शक्ल दिखाई देगी। जब भी तुम मुझे छूओगी, मुझे दीदी पर सारी बातें सुनाई देंगी। तुम्हारे साथ बिताया एक एक पल मुझे ये एहसास दिलाएगा कि मैं खूनी हूँ। मैंने अपने पिताजी का खून किया है, मैंने मेरी दीदी के अरमानों का खून किया है, मैं पापी हूँ। रुचिका, तुम अपने आप को इस तरह सजा नहीं दे सकती हो। रुचिका, तुम अपने आप को सजा नहीं दे सकती हो, और ना ही तुम मुझे सजा दे सकती हो। तुम्हारी बहन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या करोगी तुम? रुचिका, क्या करोगी? तुम कहाँ जाओगी? मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा जो होना है सो हो, पर मैं मेरी दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उसी के साथ रहूंगी यहाँ। मेरी बात सुनो रुचिका, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं रुचिका, पागल हो जाऊंगा मैं। और फिर माँ भी तो इंतजार कर रही है हमारा। चलो चलो मेरे साथ माँ से मिलने चलो। नहीं, रुचिका ने क्या कहा, छोड़ो उसका हाथ और चले जाओ यहाँ से। जाओ। जाता हूँ मैं, मगर रुचिका को अपने साथ लेकर जाओ। चलो रुचिका, छोड़ो उसका हाथ और चले जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, और खबरदार, यहाँ दोबारा आने की कोशिश मत करो। तुम हमारे बीच में मत आओ। जाओ, ये मेरे और रुचिका के बीच में है। रुचिका चले जाओ, रुचिका रुचिका चलो, रुचिका रुचिका मेरे साथ चलो। रुचिका, मां हमारा इंतजार कर रही है। रुचिका प्लीज। अगर दिलीप नहीं होते तो ना जाने हमारा क्या होता, या तो हम दोनों मर गए होते या फिर सड़क की खाक छान रहे होते। और अमर, वो वापस नहीं आया? सुख के भेस में दुख देने वाला किस मुंह से वापस आता? क्यों वापस आता?
मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। हम लोग दिलीप के साथ यहां चले आए और कुछ समय बाद रुचिका की और केतन की शादी हो गई और मैंने रुचिका को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। मॉम, आई एम सॉरी। सॉरी? मैंने आपके खोए हुए दुख को उभारा, आपको तकलीफ दी मैंने। नहीं ऋषभ, भास्कर जी ने सही कहा था। आज मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूं। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें सच्चाई जान लेनी चाहिए। मेरी ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सच बोलूं, लेकिन जब तुमने पूछा तो मैं बता पाई। दिलीप को भी इन रिश्तों में सच और झूठ छुपाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने भी मेरी खातिर ऐसा किया। एक सच को छुपाने के लिए कई झूठ बोलते रहे, लेकिन अब उन्हें भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मामा, अगर आपको ये सब मुझे कहकर थोड़ी भी राहत मिली है तो मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बेटा हूं। लेकिन जो सच आपने मुझे अभी बताया है, उसकी खोज में मैं यहां नहीं आया हूं। मैं एक और सच जानना चाहता हूं मामा। कौन सा सच ऋषभ? रिया का सच। रिया का सच? रिया और मैं जानना चाहते हैं कि वो किसकी बेटी है। ऋषभ, ये तुम कैसी पागलपन की बातें कर रहे हो? रिया मेरी बेटी है। रिया का पिता कौन है मामा? ऋषभ, क्या हो गया है तुम्हें? दिलीप और मैं रिया के माँ बाप हैं। ये नहीं हो सकता है मॉम। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिया ने अपने कानों से रुचिका आंटी को पापा से ये कहते हुए सुना है कि उन्हें कभी पता नहीं लगता है कि कौन अपना बच्चा है और कौन नहीं। नहीं ऋषभ, रिया ने जरूर गलत सुना होगा। नहीं मामा, मैंने भी अपने कानों से रुचिका आंटी को ये कहते हुए सुना है कि रिया और मैं सगे भाई बहन नहीं हैं। इसका यही मतलब है ना कि रिया आपकी बेटी नहीं है। लेकिन आप ही ने तो अभी कहा था कि रिया पापा की बेटी है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो मुझसे झूठ बोल रहा है, या तो फिर इसका मतलब माँ, क्या मैं पापा का बेटा हूं? खाइए मेरी कसम। मैं पापा का बेटा हूं कि नहीं,